फ्रेंड्स, आज के वीडियो की टॉपिक है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं और सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। जब आप सनस्क्रीन खरीदने जाते हो तो कौन से पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए, उसको मिस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके साथ साथ खास करके जो ऑयली स्किन वालों लोग है इस टाइम में, जो समर सीजन चल रहा है अभी, तो ज्यादा से ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं फेस पर, और उसके साथ साथ स्पॉट, बहुत सारे स्पॉट आ जाते हैं। और आजकल दिखाई देते हैं कि ज्यादातर मेल हो या फीमेल हो, सबके जो स्किन है ज्यादातर सेंसिटिव हो रहे हैं। तो सेंसिटिव स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए कौन से जो सनस्क्रीन है वो आपको यूज करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल स्किन है तो आपको कौन से टाइप की जो सनस्क्रीन है वो यूज करना चाहिए, और जो सनस्क्रीन है उसको खरीदने टाइम आपको कौन सा पॉइंट देखना है, उसके बाद आपको सनस्क्रीन खरीदना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इस टॉपिक पर है। मैं इंटो डिजाइनर हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इंटो डेकोरेशन के साथ साथ मैं ढेर सारे ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी डालती हूँ। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। सनस्क्रीन खरीदने के टाइम आपको कौन सी टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए, तो फर्स्ट मैं बात करूंगी एसपीएफ, क्योंकि सबको पता है एसपीएफ के बारे में। तो 30 के ऊपर की जो एसपीएफ है, जैसे 30 से स्टार्ट होती है और 50 के अंदर, अब एसपीएफ वाला जो सनस्क्रीन आ जाते हैं मार्केट में, आप उसके साथ जाइए, क्योंकि सनरेज अब तो बढ़ रहा है, दिन दिन बढ़ रहा है, इतना ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है, तो आप 30 के नीचे का जो सनस्क्रीन है यूज ना करें तो वही बेटर है। फ्रेंड्स, इनके अंदर यूवीए प्रोटेक्शन और यूवीबी प्रोटेक्शन, ये दोनों ही होना चाहिए। तो आपको देखना है कि यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन ये लिखा है कि नहीं, और इसके साथ साथ अगर लिखा होता है कि PA++++ तो और भी ज्यादा अच्छा है। PA++ यानी कि आपको यूवीए से प्रोटेक्शन देगा। मार्केट में बहुत टाइप की सनस्क्रीन आते हैं, जैसे कि जेल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म में है। तो आपको देखना चाहिए आपके फेस जो है, स्किन जो है, उसका टाइप क्या है। जैसे कि अगर ड्राई स्किन हो आपके, तो आप क्रीम बेस्ड जो सनस्क्रीन आते हैं मार्केट में उसके साथ जाइए। अगर आपकी स्किन ऑयल स्किन है तो मैट, जो मैट फिनिशिंग में आते हैं, जैसे कि जेल फॉर्म में आते हैं, जैसे कि जो थोड़ा थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा होते हैं, जो क्रीम फॉर्म में आते हैं, बट नॉन ऑयली क्रीम फॉर्म में जो सनस्क्रीन आते हैं फ्रेंड्स, उस टाइप की सनस्क्रीन के साथ आपको जाना चाहिए। जेल सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जेल झट से स्किनों में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वो अच्छा है आपके लिए। और उसके साथ साथ आपको देखना चाहिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप वाटर बेस्ड सनस्क्रीन के साथ जाइए, क्योंकि ये जो है इस अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और वाटर बेस्ड जो है वो ज्यादा चिपचिपा सा भी नहीं होते हैं। बट अब मैं बात करूंगी जिसके स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत सारे पिंपल से फेस पर या बहुत सारे स्पॉट आ गए हैं, तो उसके लिए कौन सी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग है वो सनस्क्रीन यूज करना छोड़ ही देते हैं, बट ऐसा आप ना कीजिए। तो कौन सी सनस्क्रीन है जिसके साथ आपको फ्रेंड्स जाना चाहिए, तो उसके पहले मैं कुछ सैंपल आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि वाटर बेस्ड सनस्क्रीन किस टाइप का होता है। तो मेरे पास वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है जो एसटी बोटानिका ए सी विटामिन के साथ आते हैं, और उसके इसमें है एसपीएफ 50, और फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसमें यूवीए है, यूवीबी है, और PA++++ भी है। तो ये जो है वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये किस टाइप के होते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल वाटर जैसी है, कैसे ये निकलकर बाहर आया, तो देखिए कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। इसको लगाना भी बहुत ज्यादा आसान है, आपके स्किन में पिंपल्स हो, रैशेस हो, तो आप इसको झट से लगा सकते हैं। तो देखा कितना आसानी से ये अच्छे से स्किन के साथ मिल गया। मैट सनस्क्रीन, ये जो सनस्क्रीन है लोटस हर्बल सनसेफ, जो मैट फॉर्म में आते हैं, इसके अंदर है यूवी सनस्क्रीन, ये मैट जेल है, और इसमें PA++ है, और इसके साथ यूवी प्रोटेक्शन भी है फ्रेंड्स। तो ये जो सनस्क्रीन है लोटस हर्बल सेफ सन, तो ये है मैट फिनिशिंग में। अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो है जेल फॉर्म में,
झट से ये एब्जॉर्ब हो जाती है हाथों पर। और इसमें खास कुछ फ्रेग्रेंस नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट इसमें एक स्मेल है, अच्छा लगता है, बट इरिटेट करने वाली कोई स्मेल नहीं है। तो आप इस टाइप की सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, और किसी के सनस्क्रीन में अगर ज्यादा से ज्यादा खुशबू वाली जो सनस्क्रीन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेग्रेंस होते हैं, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप उस टाइप की जो सनस्क्रीन आते हैं मार्केट में उसको अवॉइड कीजिए। दिखाना चाहती हूँ जैसे कि देखिए ये जो है क्रीम फॉर्म में है बट नॉन ऑयली क्रीम फॉर्म में है। ये जो सनस्क्रीन है प्लम ब्रांड की है, एसपीएफ इसका 50 है, प्लम ब्रांड की है, इसपे 50 है और इसके अंदर है UVA है और यहाँ पर लिखा है PA++। PA++ यानी कि UVA UVB अच्छे से प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो है मैट फॉर्म में है, एक क्रीम है बट मैट फॉर्म में है। देखिए देखिए एक स्टिकी स्टिकी सा भाव है इसमें, बट अच्छे से मिल जाते हैं क्योंकि अब तो समर सीजन है, ज़्यादा स्वेट होता है तो जिसके फेस पर ज़्यादा स्वेट होता है जैसे कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ एक ग्लो भी करते हैं, स्किन को थोड़ा सा वाइटनिंग भी देते हैं। मार्केट में कुछ सनस्क्रीन है जिसका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आप नहीं चाहते हो कि सनस्क्रीन यूज करना पसंद नहीं करते हो, आपकी स्किन सेंसिटिव है, रैशेस होते हैं या बहुत ज्यादा स्पॉट आ गए हैं, तो आपको भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। और उसके लिए जो अच्छे से अच्छे ब्रांड की जो सनस्क्रीन है मार्केट में जैसे कि एविल हीट सील्ड सनस्क्रीन जो है वो SPF 50 में आते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर UVA प्रोटेक्शन, UVB प्रोटेक्शन और इसके साथ साथ PA++ भी है। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्राई कीजिए क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है फ्रेंड्स डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। इसके अलावा आप लैक्टोकैल्मिन भी यूज कर सकते हैं। लैक्टोकैल्मिन जो ब्रांड है इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। लैक्टोकैल्मिन जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है। तो अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा जो पिंपल्स आ जाते हैं तो आप लैक्टोकैल्मिन जो क्रीम आते हैं मार्केट में उसको भी आप डैब डैब करके छोटे छोटे से करके इसे लगा देते हो पिंपल्स के ऊपर तो भी लाभ देते हैं बहुत सारे। तो लैक्टोकैल्मिन ब्रांड के सनस्क्रीन भी मार्केट में है। अब प्लम ब्रांड की ग्रीन टी डेलाइट जो सनस्क्रीन मार्केट में आते हैं जिसका SPF 35 है फ्रेंड्स, आप इसको यूज कर सकती है। इसके अंदर PA++ भी आपको मिल जाएगा। तब आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सनस्क्रीन जो SPF 35 में आते हैं मार्केट में और इसके अंदर आपको UVA UVB प्रोटेक्शन PA++ मिल जाएगा। तो आप इसको भी ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। वीडियो में मैं जितना हो सके पॉइंट में क्लियर कर दिया कि कौन से पॉइंट है जो आपको सनस्क्रीन करने से पहले आपको देखना चाहिए और उसके साथ साथ कौन से जो वजह है आपको सनस्क्रीन यूज करने की वजह है और आपकी स्किन ओरिएंटेड सनस्क्रीन क्या है वो भी मैं क्लियर कर दिया इस जो वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।